एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, मस्जिद के अंदर डेसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानी मानों को, जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशा ही बनी नहीं बैठी रही। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, एक किस्म से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है, केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप हर वक्त। यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे ही बने बैठी हुई। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए, कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से।